हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दी आरव इंग्लिश एकेडमी। और आज की इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग जॉन मिल्टन को पढ़ेंगे। जॉन मिल्टन की जो बायोग्राफी है उसको पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज़ को आप देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जॉन मिल्टन का जो बर्थ हुआ, जन्म हुआ, वो 9 दिसंबर 1608 इन लंदन में हुआ। ये एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, एक क्वेश्चन एक बार झारखंड के TGT एग्ज़ाम में आया हुआ था, जो आप ज़रा से याद रखेंगे कि इनका जो बर्थ हुआ वो 9 दिसंबर 1608, इनकी डेथ 8 नवंबर 1674 में हो गया। और इनका जो डेथ हुआ था वो एक इनकी बीमारी थी, एक डिजीज थी, गॉट, जो जिसको हम लोग गठिया कह सकते हैं, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग हो गया था इनको, इसलिए इनकी डेथ हो गई थी। और इनको बरीड किया गया था सेंट गाइल्स क्रिपल गेट लंदन में ही। इनके फादर का भी नेम जॉन मिल्टन था, इनकी मदर सारा जेफरी थी। इनका जो स्कूलिंग हुआ था सेंट पॉल स्कूल इंग्लैंड से ही हुआ था। ये ग्रेजुएट किए सेंट जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी था वहीं पर लंदन में ही, तो वहाँ से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। और उस कॉलेज का नाम था क्राइस्ट कॉलेज। जिस क्राइस्ट कॉलेज में ये पढ़ते थे, तो इनकी एक खासियत थी, इनका अपना जो फिजिकल लुक था वो लुक एक लेडी की तरह था। इनके बाल बहुत बड़े बड़े थे, जिसकी वजह से ये इनका जो लुक होता था काफ़ी खूबसूरत थे, ये लेक लेडी की तरह दिखाई देते थे। इसलिए उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ रहे थे तो उनको द लेडी ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आया हुआ है नेट में, तो आप लोग जरा सा इसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करेंगे। द लेडी ऑफ क्राइस्ट जॉन मिल्टन को कहा जाता है। इन्होंने इन हिज कैम्ब्रिज ईयर्स, जब ये कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, तो इनको फ्रेंडशिप हो गया एडवर्ड किंग से, ठीक है। और एडवर्ड किंग की जब डेथ हो जाती है तो इन्होंने आप उनके लिए एक एलेजी लिखा, लेसिडास, जो 1638 के टाइम पीरियड में पब्लिश हुआ। यह भी एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि लेसिडास, सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि लेसिडास किसने लिखा, तो जॉन मिल्टन ने लिखा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है कि लेसिडास जो लिखा गया वो किसकी डेथ पर लिखी गई, तो ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग हु वाज जॉन मिल्टन्स फ्रेंड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, लेसिडास को, लेसिडास जिसे एक मोनोमोनोडी भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो बिगनिंग में जो पोएम्स आई थी, जो कलेक्शन आया था, उनमें से जो फर्स्ट है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, और सेकेंड जो है एपिटाफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। ये भी क्वेश्चन आता है कि एपिटाफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट जो इन्होंने लिखा है पोएम, वो किसकी याद में लिखा है, किसको कंसिडर किया है, तो विलियम शेक्सपियर को, याद रखना है ये चीज़ें। ये सब कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग ये देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं। इनका कॉम्पेनियन पोएम्स भी आया, दो पोएम्स थे जिनको कॉम्पेनियन पोएम कहा गया। जो फर्स्ट पोएम था वो एल एलिग्रो, और दूसरा था एल पेंसरोशो। एल एलिग्रो जो पोएम आया, जो रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस को, इसका मीनिंग यही होता है हैप्पी मैन। और एल पेंसरोशो है जिसका मीनिंग होता है मेलनकली मैन। देखिए यहाँ से ही जो दोनों पोएम्स हैं उसके जो मीनिंग है, उसके इस पोएम के टाइटल के मीनिंग से क्वेश्चन बन करके कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप याद रखेंगे एल एलिगरो और एल पेंसरोशो की जो मीनिंग है वो आप याद रखेंगे। एल एलिगरो की मीनिंग है द हैप्पी मैन, और एल पेंसरोशो की मीनिंग है मेलनकली। इसमें से अगर आप एक याद रख लेंगे तो आपको दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर मान लीजिए सेकंड को याद करते हैं पेंसरोशो, दैट इज मेलनकली मैन, तो पेन मीन्स होता है दुख या दर्द, तो पेन
दुख दर्द कहाँ होगा, जब वो व्यक्ति मेलनकली होगा। और मेलनकली वर्ड से तो आपको याद होगा ही, विलियम शेक्सपियर का जो एक एज यू लाइक इट जो कॉमेडी लिखा हुआ है, उसमें मेलनकली जैक्स का नाम तो आप सुने ही होंगे, तो उससे आप याद कर लीजिए कि पेन से वो पेन में था। तो ये एक ट्रिक है और ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये है कि 1638 के टाइम पीरियड में ये टूर पे चले गए थे। जिस ईयर इन्होंने लिसीडास को लिखा था, उसी ईयर इन्होंने एक टूर पे चले गए थे और फ्रांस और इटली चले गए थे। ये भी कई बार प्रश्न आता है कि ये जो टूर गए थे फ्रांस और इटली, वो किस ईयर में गए थे। ठीक है, तो आप जरा सा केयर करेंगे, और 1638 का वो टाइम था जब वो टूर पे गए थे। आगे देखते हैं। इन 1642 ही मैरिड मैरी पॉवेल, सेपरेटेड ओनली आफ्टर 2 वीक्स। बहुत ही एक ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रेंज इंसिडेंट इनके साथ हुआ कि मैरिज किए 42 में, और आफ्टर ओनली 2 वीक्स, सिर्फ 2 सप्ताह के बाद मैरी पॉवेल के साथ इनका सेपरेशन हो गया। क्योंकि दोनों के बीच में जो थी वो कुछ ऐसा हुआ और दोनों अलग अलग हो गए। 1644 का टाइम पीरियड आया। इन्होंने एरोपैगिटी का एक वर्क लिखा, और इस वर्क में उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस को, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो अभी प्रिंटिंग है, प्रेस है, उसकी आज़ादी को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया है। फाइनली, वेरी फाइनली ही डिपेंड्स डिफेंड्स और फ्रीडम ऑफ प्रेस। इन द ईयर 49, 49 के टाइम पीरियड में इनको सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग अपॉइंटमेंट किया गया। और ये किसकी काउंसिल थी? तो काउंसिल थी ओलिवर क्रॉमवेल की, और जिसमें वहाँ इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे, उसको ट्रांसलेट करते थे लैटिन लैंग्वेज में। ये भी क्वेश्चन आया है कि उन्होंने ऑफिशियल लेटर्स को, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया? तो लैटिन लैंग्वेज में, द लिंगुआ फ्रैंक ऑफ यूरोप। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये किसके शासन काल में, उसमें रूल कौन कर रहा था, जिसके अंडर ये सेक्रेटरी का जो जॉब था वो कर रहे थे। तो उस टाइम पीरियड में ओलिवर क्रॉमवेल थे उस टाइम पीरियड में, और उसी टाइम पीरियड में ये सेक्रेटरी का जॉब कर रहे थे। ठीक है। ही लॉस्ट हिज आई साइट, यू नो इट वेरी वेल, ही लॉस्ट हिज आई साइट इन द ईयर 1652, एंड दिस पीरियड वॉज नोन इन हिज लाइफ टाइम दैट इज अ डार्क पीरियड। ही कॉल्ड इट डार्क पीरियड, बिकॉज जब कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो श्योर है उसके लिए वो एवरीथिंग इज डार्क, द वर्ल्ड इज कम्प्लीटली डार्क फॉर हिम और हर। तो इन्होंने डार्क पीरियड कंसिडर किया है जब वो अपने आई साइट को खो दिया। और उसी ईयर में इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी मैरी पॉवेल, उनका भी डेथ हो जाता है। नेक्स्ट आता है टाइम 56, 1656 का टाइम पीरियड, 1656 का टाइम पीरियड। ये फिर से मैरिज करते हैं, रीमैरिज करते हैं कैथरीन वुडकॉक से। और मैरिज करने के बाद आफ्टर 1.5 ईयर्स, जब वो चाइल्ड बर्थ का टाइम पीरियड था, उसी टाइम उनकी भी डेथ हो जाती है। तो बड़ा ही ट्रेजिक इनका लाइफ चल रहा था। बहुत ही ये अपने लाइफ से काफ़ी ज़्यादा ये खुश तो नहीं थे। इन्होंने फिर से मैरिज किया था, थर्ड टाइम किया था, और लास्ट टाइम वही था जो 1662 के टाइम पीरियड में मैरिज किया था, और एलिजाबेथ मिंसल थी, उनके साथ मैरिज हुआ था इनका। ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो गई थी 1658 में। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइम पीरियड में जॉन मिल्टन अपना जो राइटिंग कर रहे थे, अपना जो लिटरेरी वर्क कर रहे थे, वो किस टाइम पीरियड में कर रहे थे, और उस समय का इंग्लैंड का जो इन्वायरमेंट था, जो एटमोसफेयर कैसा बना हुआ था, उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो 1642 के टाइम पीरियड में, 1642 के टाइम पीरियड में इंग्लैंड में जो वाइन था, वाइन पर बैन कर दिया गया था। जो थिएटर्स थे, थिएटर्स
थिएटर्स को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, क्योंकि 1642 में ही एक कह सकते हैं सिविल वॉर का बिगिन हुआ था। सिविल वॉर बिगिन हुआ इंग्लैंड में और 1649 तक चला। 49 तक जो चला, लगभग 7 ईयर्स चला, तो उसमें जो उस टाइम पीरियड में जो किंग था चार्ल्स द फर्स्ट, उस चार्ल्स द फर्स्ट को बिहेडेड कर दिया गया था, यानी उसको कहिए कि मर्डर कर दिया गया था, मार दिया गया था, बहुत ही ब्रूटली उसको किल किया गया था, मर्डर किया गया था 1649 में। और 1649 के टाइम से लेकर के 1660 तक का जो टाइम पीरियड आया, यानी 11 ईयर्स, दिस 11 ईयर्स ये इंग्लैंड के हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम पीरियड आया, वन द फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड 1649 टू 1660, जिस समय इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी आया था, रिपब्लिक आया था। ठीक है, डेमोक्रेसी यानी राजतंत्र नहीं था, लोकतंत्र आया था, हिंदी में समझे उसको, लोकतंत्र आया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत बड़ी इंसिडेंट इवेंट और एक ऐसा टाइम था, एक ऐसा ट्रांजिशन का टाइम आया जिसको कॉमनवेल्थ टाइम पीरियड भी कहा गया। तो ये चीज़ें, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कॉमनवेल्थ इंटरगम जो है वो टाइम पीरियड कब आया इंग्लैंड में, तो 1649 से लेकर के 1660 तक। हालांकि 1658 में ही ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो गई थी, लेकिन जो आफ्टर 2 ईयर्स था क्रॉमवेल का जो सन था वो रूल किया। लेकिन इस टाइम पीरियड में जो वाइन पे बैन कर दिया गया, थिएटर्स को क्लोज कर दिए गए, उससे जो पब्लिक थी काफ़ी परेशान हो गई थी। अब 1660 का टाइम में पब्लिक ने फिर से रिकॉल किया किंग्स चार्ल्स द सेकेंड। चार्ल्स द सेकेंड जो भाग गए थे, फ्रांस चले गए थे भाग करके, अब उनको बुलाया गया और फिर से थ्रोन पर बिठाया गया, क्योंकि वैसा कोई रूलर था नहीं इंग्लैंड में उस टाइम पीरियड में कि इंग्लैंड को सही तरीके से रूल कर सके। और इधर मिल्टन की बात करें तो जॉन मिल्टन जो थे वो ऑफिशियली वर्क कर रहे थे, वो ऑफिशियल वर्कों को लिख रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसा पोएम्स लिखा था जो रूलिंग पार्टी, जो रूलर था उसके अगेंस्ट था। इसलिए सबसे पहले किंग चार्ल्स द सेकेंड ने मिल्टन को अरेस्ट करवाया, उनको जेल भिजवाया, और भिजवाने के बाद फिर उनको ज़्यादा दिन तक तो वहाँ नहीं रखा गया। उनके जो जॉन मिल्टन के एक फ्रेंड थे एंड्री मार्वेल, है ना, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उनको फिर रिलीज कर दिया गया जेल से। 1667 का टाइम पीरियड आया जब जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा। 1667 के टाइम पीरियड, ये फर्स्ट एडिशन था उनका, और जिसमें उन्होंने 10 बुक्स को इंक्लूड किया था। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि पैराडाइज लॉस्ट जो उन्होंने लिखा, ये वर्क को लिखने में 7 ईयर्स लगा था। 1667 में जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया वो 7 ईयर्स टाइम लगा इसमें, इसको लिखने में। हालांकि बाद में इसी वर्क को 1674 में इसका सेकेंड एडिशन आया और इसको 12 बुक्स में डिवाइड कर दिया गया। उसमें कुछ नया जोड़ा नहीं गया था, 12 बुक्स में जो डिवाइड किया गया था वो उन्हीं में से 2 बुक्स को डिवाइड करके 2 अलग-अलग बुक और ऐड कर दिए गए, तो जो पहले 10 था अब 12 हो गया। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नया नहीं जोड़ा गया था जो 1674 के टाइम पीरियड में आया, ये पैराडाइज लॉस्ट। इन्होंने पैराडाइज रीगेंड भी एक वर्क लिखा था, पैराडाइज रीगेंड। पैराडाइज लॉस्ट में फॉल ऑफ मैन और फॉल ऑफ एडम एंड ईव को आप देखते हैं। तो यहाँ पर जो पैराडाइज लॉस्ट हो गया था और उसको रीगेन करने के लिए, पैराडाइज लॉस्ट को रीगेन करने के लिए, पैराडाइज को रीगेन करने के लिए पैराडाइज रीगेंड 1671 में इसको पब्लिश कर दिया गया। एक नया वर्क ये लिख करके आए, वो ब्रीफ इपिक था, छोटा इपिक था जो 4 बुक्स में डिवाइड था। उसी ईयर में 1671 के टाइम में ही सैमसंग एगोनिस्टस इनका एक वर्क आया, वह भी वर्क 1671 में ही आया। आगे देखिए कॉमनवेल्थ एरा मैंने आपको अभी डिस्कस किया, 1649 से 1660 के टाइम पीरियड में फर्स्ट टाइम था ये डेमोक्रेसी इंग्लैंड में आया था, और मिल्टन जो थे वो कॉमनवेल्थ का सपोर्ट में थे।
और कॉमनवेल्थ का सपोर्ट में कोई रहेगा उस टाइम पीरियड में, नया कोई किंग आएगा, तो मामला तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा ही। थिएटर्स वर क्लोज्ड, मैंने बताया आपको, और जो थिएटर्स क्लोज हो गए थे 1642 में, उसको जैसे ही चार्ल्स द सेकेंड थ्रोन में फिर से आए 1660 में, तो उन्होंने थिएटर्स को ओपन कर दिया। हाँ, अब एक यहाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्यूरिटन्स थे, मिल्टन प्यूरिटन्स, और जो कैथोलिक किस किस तरह से कैसे डिवाइड हुआ, कौन सा रूल बना, कौन सा एक्ट बना, तो यहाँ देखिए हेनरी एट का जो टाइम पीरियड चल रहा था, हेनरी एट याद कीजिए, जब क्वीन एलिजाबेथ थी, आप चले जाइए 16 सेंचुरी के टाइम पीरियड में, जब विलियम शेक्सपियर थे, उसके ठीक पहले जो मैरी मैरी क्वीन थी, क्वीन मैरी फर्स्ट का जो शासन था, उनके फादर हेनरी एट ने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी इन 1534 इस एक्ट को पास किया था। और इस एक्ट को पास करने का अर्थ ये था कि न्यू प्रोटेस्टेंट चर्च ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में नए प्रोटेस्टेंट चर्च को ओपन किया गया, खोला गया, एंग्लिकन्स जिसको कहते हैं, कहाँ से, तो फ्रॉम कैथोलिक चर्च, पहले कैथोलिक चर्च चल रहा था, अब न्यू प्रोटेस्टेंट चर्च इंग्लैंड में खोला गया, जिसको कैथोलिक चर्च से अलग किया गया। और कैथोलिक चर्च को हेड कौन कर रहा था, तो जो पोप हुआ करते थे, जो चर्च के पोप हुआ करते थे, उसको हेड क्या करते थे। तो उस टाइम से ये जो एक्ट बना, ये जो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी इन 1534 जो बना, इसने पीपल को, यानी लोगों को, जनता को अलाउ कर दिया कि आप अपनी भाषा में बाइबल को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं अपनी भाषा में। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध, कोई भी ऐसा बैन नहीं था, ठीक है। तो ये था उस टाइम पीरियड में। फिर क्या हुआ, 1611, जब 1611 का समय आया, 1611 का टाइम पीरियड आया, उसमें जेम्स फर्स्ट जो थे वो उस समय के किंग थे, तो जेम्स फर्स्ट ने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ऐसा आदेश जारी कर दिया कि इंग्लिश जो बाइबल है उसकी एक एक कॉपी हर एक चर्च में रखा जाए और उसको लोग पढ़ें, उसको लोग समझें, उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करें। अब यहाँ से आता है जॉन काल्विन, जॉन काल्विन का नाम सुने होंगे, ठीक। तो जॉन काल्विन को समझिए कि फादर माना जाता है प्यूरिटन्स का, दी ओरिजिनेटर ऑफ प्यूरिटन्स। तो जॉन काल्विन ने ही प्यूरिटन्स के प्रिंसिपल को दिया था, उन्होंने रिफॉर्म्ड चर्च जो 16 सेंचुरी जिनेवा में था, वहाँ पर उन्होंने ये प्रिंसिपल उन्होंने दिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो आपने देखा, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आपको देखने को मिले, और जिसमें से आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जॉन मिल्टन अपने आप को डेवलप किए, पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया, रिगेन लिखा गया, इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे थी, प्यूरिटन्स कौन थे। प्यूरिटन्स जो थे वो समझिए कि एक तरह का टोटली रिलीजियस पर्सन हुआ करते थे। तो ये चीज़ें आपने देखा, और जो किस तरीके से जॉन मिल्टन अपनी लाइफ में कैसे, वो कितने पार्ट में पैराडाइज लॉस्ट को लिखे, तो इस तरीके के और डिटेल्स में जानकारी देने के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे, और आप भी हमारे साथ ट्यून रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।